हेलो गाइस, मेरा नाम पीयूष है एंड आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं DDA एल्गो के बारे में। और लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाले मैं सभी उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ये सारे वीडियोस जो हैं जो हम बना रहे हैं वो आपके लास्ट मोमेंट पर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं DDA एल्गो में, एल्गो के बारे में क्विक मोड में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको दे रखे होंगे, सपोज दैट आपको पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो दो पॉइंट दे रखे होंगे आपको, सपोज दैट x1y1 और x2y2 दे रखा है। तो उसके हिसाब से अगर आप स्लोप निकाल लें, फर्स्ट काम आपका क्या है, स्लोप निकालना। ठीक है, एम की वैल्यू निकाल लीजिए पहले आप, पहला काम है आपका स्लोप निकालना। ठीक है, कैलकुलेट स्लोप एम, फिर आप चेक करेंगे कि स्लोप एम मतलब जो एम है उसकी वैल्यू अगर लेस देन वन है तो आप क्या करेंगे, अगर लेस देन वन है तो एक्स में इंक्रीमेंट कर देंगे यूनिट वन का, और वाई में इंक्रीमेंट करेंगे डेविएशन का, मतलब कि डेविएशन इट मीन एम का, जो भी एम की वैल्यू निकली होगी उस एम से। तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट में एम का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम अगर आपका m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, m से एक बड़ी है, तो मतलब m से मतलब 1 से बड़ी अगर m की वैल्यू है तो x में डेविएशन होगा और y में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जो डेविएशन होगा इसमें वो 1/m का होगा। ठीक है, x में 1/m का डेविएशन, मतलब जो भी डेविएशन था उसका इंक्रीमेंट करेंगे, और जो भी अपन का यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट में जो भी इंक्रीमेंट करेंगे वो 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर m की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये थर्ड केस है, अगर m की वैल्यू 1 होती है तो ऐसे कंडीशन में x और y दोनों में हमें क्या क्या करना है, यूनिट का इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एल्गो है। ठीक है, इसे एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा कि कोई भी अगर दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 दे रखे हैं तो आपको करना क्या है, उन दोनों के बीच का स्लोप निकाल लेना है, m इक्वल टू फॉर्मूला लगा देना है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 निकाल देना है, m की वैल्यू सर कुछ अमाउंट ऑफ वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि 1 से छोटी है कि 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। अगर 1 से छोटी है तो ऐसे कंडीशन में x में यूनिट इंक्रीमेंट और y में m का इंक्रीमेंट, मतलब कि डेविएशन का इंक्रीमेंट, और अगर 1 से बड़ी है तो ऐसे कंडीशन में 1/m का जो डेविएशन है उसका इंक्रीमेंट करेंगे और प्लस का इंक्रीमेंट y में करेंगे, और अगर 1 = है तो उसके बाद इसमें क्या करना है कि आपको दोनों में यूनिट का इंक्रीमेंट कर देना है। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो ठीक है उसका एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज अगर आपको 4.5 इस तरीके के दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप कैसे क्या सॉल्व करेंगे, तो आपको पहले करना क्या है, आपको m की वैल्यू निकाल लेनी है। तो m इक्वल टू होता है y2 - y1 मतलब कि 5 - 0 अपन x2 - x1 मतलब 4 - 0। मैं समझ सकता हूँ कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी तभी आप समझ पाएंगे इसे। ठीक है, तो m की वैल्यू आप निकालेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 5/4, राइट। तो ये 1 point something आएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप मैं सही हूँ इस जगह पर, अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा ओके ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1.25 इस तरीके से वैल्यू जो भी आ जाएगी, लेकिन जो भी वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपको करना क्या है कि आपको पता है कि हमें ये सेकेंड वाला केस लगाना है, m is greater than equal to 1, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो x में मतलब क्या होगा, पहले हमने 0.0 ले रखा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा पॉइंट है, तो x में क्या कर देना है, हमें x में इंक्रीमेंट कर देना है 1/m का, तो 1/m मतलब हो गया 1/m, m मतलब हो गया 5/4, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 4/5। आई होप आप क्लियर हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8, ठीक है 0.8 आ जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो अगर हम 0 में 0.8 ऐड करते हैं तो 0 + 0.8 ओके एंड yk + 1, तो y में क्या कर देना है, y वाला जो भी कोऑर्डिनेट था 0 था उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देना है, तो कुल मिला के 0.8, 1 इस तरीके का पॉइंट आ जाएगा। तो आपको करना है किस तरीके सॉल्व करते हैं, आपको x लिख लीजिए एक तरफ y लिख लीजिए, एक तरफ x प्लॉट लिख दीजिए, ठीक है एक तरफ y प्लॉट लिख दीजिए, ठीक है और x, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो पहले आपने 0.0 उठाया, 0.0 यहाँ से ले लेना है, 0.0 उठाया, x प्लॉट आपने लिया, x प्लॉट में 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0.0 कोऑर्डिनेट यहाँ से आपने ले लिए थे। ठीक है, सेकंड टाइम में आपने क्या किया, इसका m निकाला और देखा आपका m की वैल्यू आ रही थी 1.25 आ रही थी। ठीक है, बट जो भी हमारा केस बना था वो केस नंबर 2 बना था जिसमें हम 1/m की वैल्यू निकालते हैं ना कि m की वैल्यू। तो अभी करना है कि आपको पहला कोऑर्डिनेट तो आपका बन गया, मतलब जो भी आपका पहला कोऑर्डिनेट था, मतलब कि अगर ये आप देखें 0.8 तो पहला आ जाएगा 0.8, ठीक है और y में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 0.8 की अगर ओवरऑल वैल्यू निकालते हैं तो 0.5 से बड़ी वैल्यू है, तो ये अगर हमने मॉड वैल्यू निकालनी है इसकी तो 1 आ जाएगी। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू उसकी आ जाएगी, अगर 0.5 से बड़ी है तो हम 1 ले लेंगे, 0.5 से छोटी होती तो हम 0 ले लेते, तो x प्लॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो 1 ही ले लेंगे। तो देखिए जो भी x प्लॉट और y प्लॉट में होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम यहाँ पर x, y पे रखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा पहले गिवन था यहाँ से 0.0 रख दिया हम लोगों ने, इस तरीके से 1.1 आ गया पहला पॉइंट।
अब हमें करना क्या सिंपल, देखिए यहाँ ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हमारा 0.8 यहाँ पर, देखिए हमारा पहला केस हमने देख लिया, एक बार केस देखना है, सिर्फ एक बार केस चेक करना है कि केस कौन सा है। अब हमें करना क्या है, y में हमें x में इंक्रीमेंट करना है 1/m का, तो हर बार x में इंक्रीमेंट 1/m का करते हैं, और 1/m की वैल्यू क्या है 0.8 दे रखी है, तो 0.8 से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 0.8 में, अगर हम 0.8 और ऐड कर दें तो 1.6 आ जाएगा, आ जाएगा, तो ये 0.8 पहले वैल्यू थी, जीरो थी, तो 1.6 आ जाएगा। और ये जो भी y में क्या करते हैं, y में a का इंक्रीमेंट करते हैं, तो हम हमेशा y में क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं 1 का, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो अब अगर 1.6 5 से बड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2 था, ये 2 ही आ जाएगा, तो 2.2 एक पॉइंट बन गया नया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 1.6 में, फिर से अगर 0.8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4, ठीक है, ओके 2.4 आ जाएगा। और यहाँ पर हम एक इंक्रीमेंट करते हैं हमेशा, तो एक का इंक्रीमेंट ही करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ पर 2 से 3 आ जाएगा। अब अगर 2.4 देखें, 2.5 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो 3 है वो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 2.3 बन जाएगा, राइट। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर हम 2.4 में फिर से हम क्या करते हैं, 0.8 का इंक्रीमेंट करते हैं, आ जाएगा तुम्हारा 3.2, तो 3.2 जो आ गया ये हमारा, और यहाँ पर एक का इंक्रीमेंट होगा तो 4 आ जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो 3.2 3.5 से बड़ा छोटा है, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ 4, तो 3.4 आ जाएगा। एंड हमें ये चेक करना है कि लास्ट में जो हमारा पॉइंट आना चाहिए, लास्ट हमारा पॉइंट यही आएगा, जहाँ ये लास्ट पॉइंट मिल जाएगा तो वहाँ हम रुक जाएंगे। अब इसके बाद 3.2 में भी अगर 0.8 ऐड करते हैं, ये 4.0 आ गया, और यहाँ पर 4 से एक का इंक्रीमेंट होगा तो 5 आ जाएगा, तो 4.0 और 4, ये 4.0 ओवरऑल 4 ही होगा, और ये 5 है, तो ये 5 हो गया, तो ओवरऑल पॉइंट क्या बन गया, 4.5। देखिए ये जो लास्ट पॉइंट हमारा निकल रहा है कि यही पॉइंट था 4.5 4.5, अगर ये सेम मिल रहा है तो इसका मतलब हमें रुक जाना है यहाँ पर, और ये जो हमारे सारे पॉइंट निकले हैं यही सारे हमारे पॉइंट होंगे। और सिंपली क्या होता है कि कितनी लाइन ऑफ ग्राफ आप बना सकते हो, कितनी लाइन्स आप इन दोनों पॉइंट के बीच में आप खींच सकते हैं, तो इसका प्रॉब्लम यही था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much, guys.